नॉर्मल सिटीजन्स वहाँ पे वेपन्स उठा लिए हैं वॉर करने के लिए, वो भी उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं शूट करने को, तो सिचुएशन बहुत खराब है। कहीं भी सिविलियंस बिल्डिंग्स पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जा रहे हैं और निकलने के लिए बॉर्डर पे इतने भीड़ है, ट्रैफिक है कि मतलब लोग रोड पे कुकिंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए ये है कि इंडियंस को बस इतना अलाउ किया गया था कि अपना फ्लैग प्रिंट करो कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो फ्लैग देख के कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही रशियन ना यूक्रेनियन कोई कुछ नहीं करेगा। सो वो देख के लगा कि हाँ हम काफी पावरफुल है ताकि, और इंडियन गवर्नमेंट काफी हमारे लिए कर रही है, तो वो जान के काफी अच्छा लगा। कितनी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, हम वापस आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हालात वहाँ का बहुत वर्स्ट है, जहाँ था मिसाइल से दागा जा रहा है, इसके बाद बम्बार्डिंग किया जा रहा है, कुछ भी कहना ये नहीं है जो कब क्या हो जाए वहाँ पे, हर कोई पैनिक है वहाँ पे। इवन जो हमारे दोस्त है कुछ बंकर में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। भारत सरकार ने किस तरीके से आपकी मदद करी, कैसे सारी चीजें पॉसिबल हुई, आप अपने वतन वापस आए हैं उसके बारे में बताइए। भारत सरकार MEA के थ्रू हम लोग को सबसे पहले रोमानिया बॉर्डर से रिसीव किए, उसके बाद हम लोग को वहाँ से फिर हम लोग को लेके आए वहाँ की कैपिटल, फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ दिल्ली भेजे। जितना तारीफ किया जाए उतना कम है सरकार का, दोनों सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छी काम की, गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया हमें आने के लिए, हम उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। हमें बहुत अच्छे से वो किया गया, कुछ भी चीजें का दिक्कत किया गया, अभी काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी में भी, अभी काफी हालात वहाँ के अभी ठीक नहीं है, बच्चों को आने की जरूरत है। काफी खुश भी हैं, बिहार के जितने भी अभिभावक हैं, बिहार के लोग हैं काफी खुश हैं, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर भारत को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है, उससे हम सब गौरवान्वित हैं। और बिहार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार के लगभग 273 बच्चों का एक संकलन आया है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, और वो कैसे बिहार आए इसके लिए संपूर्ण रूप से चिंता हमारी बिहार की सरकार ने की है। मुंबई में बिहार फाउंडेशन को लगाया गया है और दिल्ली में बिहार भवन में जो हमारे स्थानीय आयुक्त और पूरी बिहार सरकार की अधिकारियों की टीम है वो सारे मामले को देख रही है, और बिहार सरकार सरकारी खर्चे पर उन्हें घर तक पहुँचाएगी। देखिए, सबसे जो एक बड़ी बात हुई है वैश्विक स्तर पर कि तिरंगा का एक जो साख होता है उसको हमारी भारत की सरकार ने कायम किया है, अगर तिरंगा लेकर कोई बच्चा खड़ा है तो वो सुरक्षित अपने को मानता है, ये बड़ी बात है जिसे श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश ने उस साख को बनाया है।